इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया कि जो इबादत से हटा हुआ हो उसको उम्मीद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि इबादत से हट गया वो बेजार होके यार मैंने बड़ी बातें की, बड़े सजदे किए, बड़ा मांगा खुदा से, यार कुछ नहीं होता। एवं कहते यार नमाज पढ़ लो तो ये हो जाएगा, रोजा पढ़ो यार मैंने किया कुछ, अब वो इबादत से हटा हुआ है। तो इबादत से हटे वाले को उम्मीद दिलाओ कि नहीं भाई ये रहीम व करीम की जब इबादत है और रहीम व करीम के बारे में बदगुमानी ना करो, तुम जो इबादत कर रहे हो रहीम व करीम इंशाल्लाह वही करेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसको पता है कि वक्त कौन सा है। जैसे माँ बच्चे को उस वक्त में देती है खाने को जब वो खाने के काबिल है, या वो चीज खाने को देती है जो उसके लिए नाफे है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह का प्यार तो माँ के प्यार से 100 दर्जा ज्यादा है, वो भी बंदे को उस वक्त देता है जब उसके लिए नाफे होगा, और वही चीज देता है जो उसके लिए फायदेमंद है। बंदा अपनी नादानी की वजह से बच्चे की तरह हाय ववेला करता है, मुझे अभी दे दो और यही दे दो, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बंदे के नफे को मसले को दे के देता है।